संगी हो जय जोहार, हमन जात हन कुरुद। दिखा थे सेंट आंस इंग्लिश मीडियम स्कूल बंजारी, सामने का पोर्शन है, अभी नज़दीक में आएंगे तो पूरा दिखेगा। ये सामने दिख रहा है नेशनल हाईवे 30, यही है मेन रोड जो रायपुर धमतरी और धमतरी होते हुए जगदलपुर होते हुए बस्तर की ओर जाती है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बहुत उबड़ खाबड़ भी है। ये इधर से जाते हैं मेगा फूड पार्क बंजारी भगवत, ये आप देख सकते हैं। किसी दिन मैं मेगा फूड पार्क आपको ले चलूँगा। इधर ये भाटा गांव का बस स्टैंड है, ये सामने ही से लगा हुआ मार्केट है, रोडी में है, मेन रोड में ये सारा दुकान जो है। यह प्रथम अरोरा शिक्षण केंद्र, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित है ये संस्था। यहाँ पर बेरोजगार नवयुवकों को ट्रेनिंग देकर रोजगार मुहैया कराई जाती है। ये आगे कुरुद का रेलवे क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग के आगे जाएंगे तो वहाँ है इसका रेलवे स्टेशन। ये बहुत छोटी लाइन है, इसमें दो बार सुबह और शाम ऐसा दो बार ट्रेनें चलती हैं। ये गंगरेल बांध से आया हुआ कैनाल है, बड़ा नहर है। इधर चर्च भी है साइड में। ये कुरुद का फेमस रेस्टोरेंट और ढाबा है संगवारी ढाबा, मेन रोड हाईवे से ही लगा हुआ है। ये रहा संगवारी ढाबा। अभी लॉकडाउन में थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, पहले यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हुआ करता था। ये है कुरुद का प्रवेश द्वार, पहला प्रवेश द्वार है, द्वितीय प्रवेश द्वार आगे भी है, उसको हम दिखाएंगे बाद में। बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है प्रवेश द्वार। ये कुरुद का नवोदय विद्यालय, ये है व्यवहार न्यायालय, इधर है कृषि उपज मंडी जहाँ पे किसान अपने उपज का जो फसल रहता है उसको बेचते हैं, और ये रहा सब स्टेशन। इसका कंट्रोल बिल्डिंग है, ये 132/33 केवी का ये कंट्रोल केंद्र है, सब स्टेशन है। ये है कुरुद का नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, कुरुद जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। जो सामने बिल्डिंग दर दिख रहा है वो है KCPS कली रामचंद्राकर पब्लिक स्कूल कुरुद। अब हम कुरुद के मार्केट में अंदर आ रहे हैं,
आपको मैं मार्केट दिखाते चलूँगा और चौक का नाम बताते चलूँगा। इधर ये सीधा चलना है, उसका बाद इसे जाओ ऐसे ही लगा। ये चौक है तहसील चौक, यहाँ पे तहसील कार्यालय है, जनपद कार्यालय है और अगल बगल बहुत सारी दुकानें हैं, देख रहे हैं आप। ये जनपद पंचायत कुरुद का ऑफिस है। सीधा सीधा चलना आगे खराब है। ये भीड़ भाड़ वाली जगह है तहसील कार्यालय गुरुद्ध। ये सामने जो चौक आ रहा है ये है कारगिल चौक, यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था उसी समय है, जितने भी शहीदों के नाम से यहाँ पे इस चौक का नाम रख दिया कारगिल चौक, और यहाँ पे उनका वृत्त चित्र भी बना हुआ है वंदे मातरम करके। करबाल वाले चौक लगा चौके थे बोल। ये है चर्रा मोड़ वाला चौक, इधर से जाते हैं चर्रा। ये इधर का मेन मार्केट है, इस एरिया को पुराना बाजार चौक बोलते हैं। इधर बहुत सारे ज्वेलर्स, होटल और इधर एक बैंक भी है, सहकारी बैंक। आज बहुत भीड़ लगा हुआ है बैंक में। ये आज मार्केट डे नहीं है, आज सोमवार है, फिर भी बहुत रश है, यहाँ भीड़ भाड़ है। हाँ सीधा सीधा इधर से बाज़ार जाते हैं, सब्जी मार्केट है आगे, और ये है पुराना बस स्टैंड के साथ। अब हम आ गए थाना वाला चौक में, जैसे थाना चौक बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में ही पुलिस थाना है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन है। ये महेश्वरी भवन है, ये इधर चलना, इधर इधर इधर। ये है यहाँ का फेमस चंडी मंदिर, इधर सीधा से मुड़ना है। ये चंडी मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। मन पूछ चल रहे हो का हो, कहाँ हुआ थोड़ा शॉप में अभी सोडा साथ में आए हैं, जल जीरा पीने मैं पीने। यह यहाँ का सब्जी मार्केट,
दुकानें हैं कपड़ों की। नमस्कार साहब। थोड़ी जानी आदमी का सब ध्यान नहीं रहा है तो वीडियो देखते हैं। एक पुराना बाजार चौक है, नहीं सीधा सीधा जान ले, सीधा जान ले। छोटी नहर, एक कॉलोनी, ये है कुरुक्ष का नगर द्वार और ये है बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय। ये नगर द्वार इसे बोलते हैं सांधा चौक। ये हम पुनः आ गए नेशनल हाईवे 30 पे, पुनः वापस मुड़ गए। अभी जा रहे हैं अपन छत्तीसगढ़ महतारी की ओर। इससे पहले सामने ये सरस्वती शिशु मंदिर है जहाँ क्लास 1 से लेकर 12 तक का क्लासेस लगती हैं। उसके बाजू में है APJ अब्दुल कलाम गार्डन, ये उसका मेन गेट, और ये है छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर। हर साल चैत्र नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है 9 दिनों का। ये कुरुद का आउटर है, इधर भी कॉलोनी बसा हुआ है। पुनः हम कुरुद के पहले प्रवेश द्वार की ओर आ गए। कुरुद में दो प्रवेश द्वार है, एक पहला और आगे जो है वो दो प्रवेश द्वार है। इधर पेट्रोल पंप है और सामने प्रदीप हॉस्पिटल दिख रहा है।